press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aaj hum kaddu ki safed dudhiya ki bhaji bana rahe. Kaddu ki bhaji bolte hai, safed dudhiya ki bhaji bolte hai. Ye safed dudhiya hai, isko humne kaat ke beech nikal ke chhil ke ko pani mein rakha hai. Ye aadha kilo dudhiya hai, isko humne pani mein rakhe hain chhil ke. इसमें से तेल डालेंगे 2 चम्मच, 5 टमाटर को ऐसा काट के लिए हैं और ये 4 प्याज है इसको ऐसा चॉप किए हैं और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ये 4-5 मिर्ची को बीच में से काट के लिए हैं। ये करी पत्ता है, ये कोथमीर है, ये 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है क्योंकि इसमें मसाले कम जाते, ज्यादा नहीं। ये अदरक लहसुन का 1/2 चम्मच पेस्ट है और ये जीरा, कुटा भुना जीरा 1/2 चम्मच है और ये 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ये 1/2 चम्मच जीरा है तड़का देने के लिए और ये गरम मसाला 1/2 चम्मच है और ये 1/2 चम्मच हल्दी है और ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है। अभी हम बनाने का बता रहे, एकदम चटपटी भाजी। ये देखो 2 चम्मच हमने तेल डाले, तेल गरम हो गया। अभी ये जीरा डाल रहे, अभी जीरा हो गया, इसके अंदर हम ये करी पत्ता डालेंगे और ये कद्दू मीठा रहता है तो उसके अंदर मिर्ची जितनी डालेंगे ना उतनी कम होती है, लेकिन हम हमारे हिसाब से डाल रहे हैं। हमारे यहाँ तीखा कोई खाएगा नहीं अगर तीखा हुआ। ये देखे अभी ये तरतर तरतर हो गया। अभी ये प्याज डालें, प्याज के साथ नमक डालें और प्याज को अच्छा भुनेंगे, कलर बदली होने तक भुनेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें चने की दाल डाल के भी पकाते हैं, हमने इसमें चने की दाल नहीं डाले हैं। आपको चने की दाल भिगाने का 1 घंटा पहले उसके अंदर डालेंगे ना तो एकदम फर्स्ट क्लास लगता है। हम इसमें चने की दाल नहीं, हम भाजी पका रहे हैं, कद्दू की भाजी। अभी इसका कलर बदली होने तक रखेंगे, उसके बाद प्याज का कलर बदली हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास प्याज भुन गया। अभी ये अदरक लहसुन पहले डालेंगे, हमने 1/2 चम्मच लिए हैं क्योंकि भाजी तरकारी में मसाले कम जाते हैं और ये अदरक लहसुन की ये जाने तक अच्छे से भुनेंगे। ये देखो अभी अदरक लहसुन भून के हो गया, अभी पूरा मसाला डालेंगे, ये मसाले को अच्छे से भुनेंगे। कोथमीर डालेंगे, इसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए ये मसाला सूखा है ना, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी इसको अच्छे से ये पानी सूखने तक भुनेंगे। जितना मसाला भुनेंगे ना उतना भाजी का हर चीज का टेस्ट बढ़ जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास। मसाला भून के हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अभी ये दुधिया डालेंगे, कद्दू बोलते हैं, दुधिया भी बोलते हैं, हाँ ये पानी के अंदर ही डालेंगे। इसके लिए काट के छिल के नहीं तो काला पड़ जाता है, हाँ अगर ये नहीं करेंगे ना तो पानी में नहीं डालेंगे तो काला पड़ जाता है। इसके लिए अभी देखो इसके मसाले के अंदर इसको अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से भुनेंगे और दम पे रखेंगे। टमाटर अभी नहीं डालेंगे, नहीं पानी नहीं डालेंगे, हाँ अभी पहले दम पे इसको गलाएंगे। दम पे मतलब स्लो आंच करके ढक्कन रखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा गलने को आया ना फिर टमाटर डालेंगे। जब तक टमाटर नहीं डालेंगे, देखिए पूरा मसाले में लिपट गया। अभी इस पर ढक्कन रखेंगे, ये देखिए कैसा ये दुधिया कैसा हो गया। देखो कद्दू की भाजी एकदम फर्स्ट क्लास, ये भून के हो गया मसाले के अंदर। हमने 5 मिनट भून के मसाले में ये किया। अभी ये टमाटर डाले अभी इसी के अंदर बारीक गैस पे और 5 मिनट पकाएंगे। ये देखो पानी बिल्कुल नहीं डाले, हाँ इसको बोलते हैं कद्दू की भाजी एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी। ये देखे 10 मिनट में फर्स्ट क्लास, पहले 5 मिनट बाद में 5 मिनट। ये देखो कद्दू की भाजी बन के तैयार है बिना पानी की, टमाटे के पानी में पकी, मसाले में पकी, बिल्कुल पानी हमने नहीं डाले।
अभी ये पक्के तैयार है, अभी हम आपको सब करके बता रहे। कद्दू की भाजी बनके तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास, चटपटी बनी है, टेस्टी बनी है। इसी बनाओ, हमारे तरीके से बनाओ। मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, रोज की मेरी रेसिपी आपको नई नई देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप पे भेजो, रिश्तेदारों में भेजो, मैं किचन को आगे बढ़ाओ। प्लीज, अल्लाह हाफिज।